परमानेंट लगे भोग की वो दिक्कत नहीं है, पर अगर भोग में ज्यादा खा लिया फिर दिक्कत आएगी, फिर हजम नहीं होता ना। बस अपना अपना शरीर है, किसी को कब्ज है, किसी को बार बार मोशन होता है। अरे बहुत से कह रहे हैं जिसमें आप भी हो जाए की भूख नहीं लगती, सब तरह का हिसाब है, किसी को खाना खाते बैठने जाना पड़े, किसी को कब्ज हो जाए, अपना अपना हिसाब है, ना भी ऊपर है तो कब्ज, ना भी नीचे है तो बार बार लैटिन जा रहे हैं खाना खाते, बाएं दाएं है तो भाई ऐसी कोई दिक्कत ही, लेकिन गैस वो दुनिया भर के बताते हैं लोग। ठीक है जी, बहुत बड़ी कृपा, कोई दिक्कत हो फिर आऊंगा, बहुत बहुत धन्यवाद। अभी जगह बन गई, अब इस जन्म को बन गई जगह, पूरी जिंदगी को रोज नहीं आना पड़ता, लेकिन एक या दो चक्कर लग जाता है जरूरत रहता है, उसमें जो ढीला होगा जगह तो बनाएगा। अब ये ठीक कर दिया अपनी लिखने की, कल भी ठीक नहीं, भले तीन दिन लगे पांच दिन लगे, अब ये जगह बन गई। इसमें है आप कोई भी दिक्कत माने फोन पर बात करें, ना भी तभी डिग्री के भी काम नहीं करेगा, हो सकता है थोड़ी बहुत दिक्कत हुई हो, ढीले हो गए, और थोड़ा सा अपना आपका कोई वजन काम ही है ही, आपका कोई काम नहीं बजेगा। माला के पत्ते मंगाए थे आपने? नहीं, माला के पत्ते, माला के पत्ते, सात आठ पत्ते धो के गिलास पानी में पकाओ सुबह, और एक कप रहने खाली पेट में दो, हल्का गर्म हो गया, एक बार शाम को चार बजे पका लो, फिर चाय वाय दो पीनी एक घंटे बाद पी या एक घंटा पहले पी लो, और फिर देखो हाथ की हालत। फिर आइए दर्शन देने एक महीने बाद भाई साहब चल रहा हाथ ऊपर, कैसे रहेगी बात पिछली बार होने से, क्या बताइए आप माला के पत्ते पकाकर पियो आप, इसमें पानी में ना भी तो चलना बना के ठीक हो जाएगी भाई, हाथ दवा दे रखी है आपने, दवा दे रखी है तो मैं तो खाई नहीं, चल लीजिए गर्म पानी से, हां जी बात तो फिर हो गया, तो हरवाड़ी है वहां, हां जब भी लाल दत्त की लाल दत्त की हरवाड़ा पैकेट पन्नी में, जी जी अच्छा वो है हरवाड़ा पैकेट की, चलिए अच्छा आप पत्ते और मंगा लो माला के, गर्म पानी से गर्म से ले रहे ना, ठंडे से नहीं लेना, हर चीज का अंतर पड़ जाए, दवाई ठंडी या गर्म है, गर्म क्यों बवासीर है क्या आपको, पानी का कोई मूल्य नहीं है, भगवान ने पानी के जीएसटी लगाया मोदी जी ने लगवाया था जी, हल्का नमक लगा दिया काला वाला, और शराब में खाया करो उससे जाएगा बढ़िया होगा, नहीं गया इधर जाकर दिखाई ना, खाओ खीरा वगैरह काट लो, टमाटर काट लो, खीरा खीरा काट लो, टमाटर काट लो शराब में, खीरे को हाथ से निकल के बैठे हाथ तो से निकलते आपके सामने देखो, इसलिए वो आपको चीज जो हम चाहते थे अब होगा था सर, एक घंटे के अंदर ही एक बजे दिखा, ठंडी कोई नहीं देखी हमने, कोई बात नहीं टमाटर ले लो, दही ना खाओ कोई बात नहीं, तो मौसम बदल गया दही ना खाओ, आप माले के पत्ते मंगाए जब भी क्या मिले, सात आठ पत्ते सुबह घटा के एक गिलास पानी में, और एक कप ले जाए सुबह पी लो, एक हफ्ते के इकट्ठे भी जाओ कोई फर्क नहीं पड़ रहा, रोज जाने की जरूरत नहीं है, तीन दिन के लिए आओ पांच दिन के लिए आओ कोई दिक्कत नहीं है, पांच सात पत्ते शाम को गर्म पानी में पका के एक गिलास पानी में एक कप रह जाए, हल्का गर्म पीना, और ये इसकी हरकत देखो आप एक हफ्ते नौ पंद्रह दिन, चल कितने साल हो गए इसको, तीन साल, कोई चिंता ना करो, हाथ में दुखन है,
अगर ये चुभे हो सब पता लगे तो वो पत्ते पिलाओ, फिर आप हमें बताइए क्या होता है। बस वही इनका जिंदगी भर का इलाज है। बस दवाई जो है वो खत्म कर दो, खा के उसे खा के खत्म कर दो, थोड़ी थोड़ी लेकर आगे दबाने की जरूरत नहीं पड़ने के मारे। जो आशीर्वाद क्या हो गया, आशीर्वाद तो वो तो उसमें करे उसमें चैटी का वगैरह बताओ। मैं हार सिंगार आप तो सिर्फ माला के पत्ते आ रखो, पाली छेली अगर पाली की बात करें जो भी दिक्कत है आप उसका चमत्कार देख के वीडियो फिल्म बनेगी अगली बार जब ठीक होकर ले आइए ना दर्शन करवाने। आशीर्वाद देना और आप ही आज दर्शन देना। आपके आशीर्वाद से मैं कितनी परेशान हूँ। आपके छल्ले इस तरह निकले देखो आपके सामने, यो हमें बस ये है कि थोड़ा थोड़ा जल्दी आ जाते हैं आप। अभी तो मैं कर रहा हूँ दो दो बार खड़े होने चलने में फर्क पड़ेगा। आप चमत्कार कोई नहीं, आप माल के पत्ते लाओ, छह सात पत्ते सुबह छह सात शाम को ज्यादा नहीं पकाने, वे गर्म होते हैं थोड़ा सा और वे नस्ल के खोलने के लिए होते हैं फालूस के लिए। 40 साल का जवान लड़का आया दो दिन पहले माता गई, फिर वो देखा ही बेटे को 40 साल का जवान लड़का छल्ला पहन के आधे घंटे एक घंटे के अंदर कह रहा कि जी मेरा लंग खत्म हो गया, जिसकी आप सोच भी नहीं सकते, लंग खत्म हो गया, पैर कमाल हो गया। और घर में पड़ा रहता था कि हाथ में कंपन है और एक सामान नहीं उठता इससे थोड़ा भी, और 2 किलो की उठाई और मैं कैसे काम पर भेजो, 2 दिन बाद चमत्कार हो गया तो लंग खत्म हो गया और कम करा कितनी खुशी मिले। सर बहुत ज़्यादा ढीले थे हाथ तो से निकल गए, देखिए आप, अब मैंने 2 बार काटा तब जाके ये यहाँ पे जगह बनी इसकी, ये देखो बन गई, अब तो गड्ढा हो गया ना यहाँ पे बिल्कुल। अब दिक्कत ना हो, आप बिल्कुल निराश ना हो, वो जो चार चार गोली दे रखी वो 3 बार लो ठीक है ना, और वो माला के पत्ते 2 बार लो, 1 बार जरूर लो सुबह को खाली पेट, शाम को भले ही ना लो, शाम को वो पाउडर ले लेना जो हमने दे रखा लाल डब्बी में, वो 5 बजे ले लो हाँ वो तो शाम को ले लो, पत्ते शाम को ना पकाओ सुबह पका लो माले के पत्ते, एक ही बार बहुत है 7-8 पत्ते पकाओ ठीक है ना, सुबह खाली पेट वो एकदम नसोमसर करेगा और नाश्ता 1 घंटे बाद, पर इतना सब आता है उतने पिला दो, उसके बीच में नहाओगे धोओगे लाइटिंग जाओगे इतने आधे 1 घंटा निकलता, नाश्ता 1 घंटे बाद करो और फिर आप दर्शन दियो परमात्मा की पाओ। गौरव जी कहाँ पर रहते हो, भोजपुर, आपको क्या दिक्कत थी जब आप आए थे, नाभि की दिक्कत थी, कितने साल से, 15-20 साल से, और उम्र कितनी आपकी, 39 साल, छल्ला कितने दिन पहले पहना था, 2 महीने हो गए, 20 तारीख को पहना था, अगस्त में तबीयत ठीक है आपकी बिल्कुल, अब कोई दिक्कत, अब ढीले हो रहे ठीक कर दें, वैसे नाभि तो ठीक है अपनी जगह पे, नाभि भी ठीक जा रही, जब ढीले हो जाए तब दिक्कत हो जाए तो ठीक है कोई दिक्कत ना मान लो, IBS हो नेवल डिस्प्लेसमेंट हो, डॉक्टर बताते रहे नलों पे इन्फेक्शन है, सूजन है लीवर पे, सूजन हाथों पे, सूजन, सब ये कहने की बात है, इसको पहन के सब ठीक हो जाता है। बस क्या नाम बताया, गौरव ठीक है जी, बस ये देखो ये हल्का सा ठीक करेंगे, जो थोड़ी बहुत दिक्कत है तो इसको ठीक करा लो, नहीं है तो निकलना जाए इसलिए ठीक करा लो, बस सब ठीक हो जाएगी, चिंता ना करो अपनी डिगने की इस जन्म में, ना आपकी ना इनकी, अब ये जो ढीले हो रहे थे।